पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव आज तक पर। रविशंकर जी, विपक्ष कह रहा है कि महाघोटाला है, वो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, गठित क्यों नहीं कर देते जेपीसी? आप लोग भी कई मुद्दों पर पहले जेपीसी की मांग करते थे। पहले मैं आपसे बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं, ये क्या है? ये घोटाला है कि तमाशा है घोटाले का? हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट किया था लोकसभा चुनाव के पहले, ताकि लोकसभा चुनाव प्रभावित हो। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कराया सेबी से, बाकी से 24 इंक्वायरी हुई। सेबी उसको पूरा प्रोसेस करके कार्रवाई कर रहा है, और उसमें उसने नोटिस किया हिंडनबर्ग को कि जुलाई में आप जवाब दीजिए। तो जवाब देने के बजाय उन्होंने ये बम फोड़ने की कोशिश की। हिंडनबर्ग कौन है? जॉर्ज सोरोस उसके सबसे बड़े पूंजी निवेशक हैं। जॉर्ज सोरोस सबसे अधिक एंटी इंडिया स्टैंड लेते हैं। भारत में लोकतंत्र नहीं है, मीडिया की आज़ादी नहीं है, भारत में कम्युनल फ्लेयर अप है, और मोदी जी खिलाफ करते हैं। तो बार बार हिंडनबर्ग ही क्यों? तो मैं कहता हूं, आज भारत की आर्थिक विकास की दर है कि नहीं दुनिया में सबसे अच्छी? क्या वर्ल्ड बैंक, क्या मोदीज, भारत में सबसे अधिक FII FDI आ रहा है कि नहीं? भारत तीसरी इकोनॉमी बनने के रास्ते पर है, चल रहा है कि नहीं? तो भारत को इस सबको अनस्टेबल करो, इसे कहते हैं आर्थिक अराजकता। और कांग्रेस पार्टी का टूल किट गैंग जुड़ जाता है साथ में। एक दूसरा सवाल, अंजना जी, आप देश की बड़ी वरिष्ठ टीवी जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह के 10 साल में क्या कोयला घोटाला, क्या 2G घोटाला, क्या अगस्ता वेस्टर्न, क्या क्या नहीं हुआ? देवास, इंदा देवास वाला जो मामला था, कार्रवाई भी हुई कोर्ट के द्वारा, सब कैंसिल हुए। उस समय कहां थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट? कभी भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 थी, और सिर्फ हिंडनबर्ग, सिर्फ एक और कोई नहीं, सिर्फ एक, लेकिन जिसका मेन पूंजी निवेशक है एक एंटी इंडिया उद्यमी जॉर्ज सोरोस। लेकिन देखिए, जॉर्ज सोरोस कांग्रेस पार्टी उठाती है। प्रसाद जी, जॉर्ज सोरोस को लेकर आप लोग पहले भी हमलावर रहे। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि देखिए, शुरू में मामली ही सही, थोड़ी गिरावट हुई 5%, कई शेयर्स गिरे, कई लोगों को जिसमें कमाना होगा, खुद हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर कंपनी, कुल मिलाकर तस्वीर है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? बार बार, पिछली बार हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ था बाजार में जब पहली बार रिपोर्ट आई थी, आज बाजार संभला, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आप ऐसे बैठ के यहाँ पे बोलते रहेंगे हिंडनबर्ग ने ये किया, हिंडनबर्ग हमें क्यों टारगेट करता है, हिंडनबर्ग विदेश से एक साजिश है हमारे खिलाफ, बट आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपने बहुत सही कहा, सेबी इसीलिए बनाया गया है। अंजना जी, मैं आपके व्यापक पत्रकारिता के अनुभव का आह्वान करूंगा, सेबी एक्ट पढ़िए। सेबी का यही काम है कि पूरा उनका एक टीम है, उसमें रिजर्व बैंक के लोग बैठते हैं, उसमें भारत सरकार के बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, बोर्ड में इंडिपेंडेंट लोग बैठते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ बैठते हैं, और वो निर्णय करते हैं। उस निर्णय के खिलाफ आप अपील में जा सकती हैं, जिस अपील में चीफ जस्टिस रिटायर्ड बैठते हैं, बाकी लोग बैठते हैं, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं अपील में। ये पूरा रोबस्ट मैकेनिज्म है, उनके दर्जनों रेगुलेशंस है और सैकड़ों उनके सर्कुलर्स है, कहीं कोई गैप आता है। तो एक रोबस्ट मैकेनिज्म है भारत के स्टॉक मार्केट को ट्रांसपेरेंसी, ईमानदारी और प्रभावी रूप से मैनेज करने के लिए। लेकिन रविशंकर काम है इस बार तो सेबी कर रहे हैं, सेबी चीफ पर ही आरोप है, जाइए अपील में, और सेबी चीफ पर ही आरोप है ना आपकी सरकार। देखिए, कुल मिलाकर बार बार ये मुद्दा उठता है और आपकी सरकार बैकफुट पर आई जाती है। रविशंकर प्रसाद जी को सामने आना पड़ता है, सबको फायर फाइटिंग करना पड़ता है, तो किसी ना तरीके से इस मुद्दे पर विपक्ष आपको बैकफुट पर तो डाल ही देता है, घेर देता है। देखिए, हमारा जवाब बहुत सीधा है, बहुत विस्तार से जवाब सेबी की चीफ ने दिया है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है, और बहुत विस्तार से जवाब अडानी ने दिया, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैंने पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस अराजकता के शामिल पूरी संदेहास्पद परिस्थितियों का उल्लेख किया है, षड्यंत्रकारी परिस्थितियों का उल्लेख किया है, और मैं कहूंगा बड़ा सवाल यह है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है? चुनाव आयोग पर हमले करती है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे हमले करती है कि नहीं? तो ये तो उनका आरोप लगाने का सिस्टम बन गया है, और फिर आप गिर जाइए, ये ठीक नहीं है। हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, आगे ले जाएंगे, और हम बहुत क्लियर हैं
कोई गड़बड़ी है तो पूरा एक रोबस्ट सिस्टम है उसकी जांच करने का, और सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराई और भारत की आर्थिक व्यवस्था के पैमाना हिंडनबर्ग नहीं हो सकता अंजना जी, जिसमें एक एंटी इंडिया उद्यमी का पैसा लगा हुआ है जो एक एजेंडा से काम करता है और जान के भारत के सिस्टम को कमजोर करता है ताकि शॉर्ट सेलिंग में उसको फायदा हो। लेकिन सवाल राहुल गांधी उठा रहे, वो पूछ रहे हैं माधवी पुरी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। सवाल नंबर एक, निवेशकों का जो पैसा खोना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगी इस मामले का। तीन प्रश्न है उनके। मेरा एक काउंटर प्रश्न राहुल गांधी से, पहले अपने दोस्त हिंडनबर्ग को कहे कि वो शो कॉज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है, कहिए क्यों नहीं जवाब, जवाब से क्यों भागता है। दूसरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी किया तो उसमें राहुल गांधी लोग पेश क्यों नहीं हो गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्या हम भी असिस्ट करना चाहते हैं। याद करिए उन्होंने आरोप लगाया था कि पेगासिस फोन से मेरा फोन भी हैक हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कराया था ना, वो उसमें अपना फोन दिया था इंक्वायरी करने के लिए। क्या आपके चैनल पर मैं आया था, मुझे याद है मैंने भी कहा था राहुल जी अपना फोन दे दीजिए। तो एलिगेशन लगाना मोदी के जी के ऊपर, मोदी जी इस्तीफा दो, तो फिर मैं वहीं आता हूं, बार बार हारने के बाद मोदी से नफरत को देश के खिलाफ नफरत क्यों बदल रहे राहुल जी। देखिए मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है जो 3 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसमें 3 जजेस की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और सेबी इस मामले की जांच के लिए सही एजेंसी है, एसआईटी के पास भेजने से मना कर दिया था। अब राहुल गांधी के जो आखिरी सवाल था उसका आपने जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान लेगा अब जबकि ये दूसरी रिपोर्ट आई है, इस पर आपने कुछ बोला ही नहीं। तो अब बहुत नई बात आपने कहा कि अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजर भी हो गए हैं, जहां तक मैंने सुना है उनके पास बड़े वकीलों की फौज है, राज्यसभा को लेकर बहुत दबाव रहता है। राहुल गांधी जी उनसे राय कर लें कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह से नहीं कहा जाता है, प्लीज आखिरी अगर हिम्मत है तो मूव करिए। आखिरी प्रश्न, स्ट्रैटेजी क्या है आपकी पार्टी की इस मुद्दे पर, क्योंकि ये तो चलेगा। हमारी स्टडी रहेगी, हम कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करेंगे देश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी ने भारत विरोधी ताकतों के साथ षड्यंत्र करके भारत के आर्थिक विकास को कमजोर करना चाहती है। ठीक, बताएंगे इसको। बहुत धन्यवाद मिला है हमें, करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर जवाब देने के लिए धन्यवाद आपका।